हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित और ये हमारा ऑफिशियल जो है यूट्यूब का पेज है, एक इन्फो का। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो जियो का 1500 रुपये वाला फ़ोन आ रहा है, ये लाइफ का 2403N मॉडल है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि इसमें बिना कोई डिवाइस का, देखिए आप इसमें डिवाइस के द्वारा भी फ्लैश कर सकते हैं, बट इसका बिना डिवाइस भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर आप डाल पाएंगे। तो चलिए आज दिखाता हूँ मैं कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो रिलायंस जियो लिख के आ रहा है और स्टैंड बाय लोगो हो जा रहा है, यानी अटक जा रहा है उस पर। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है आज। इसको पहले सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसके बाद रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, तो आपको आपके पास जो है इसका प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने रखा हुआ है प्रोग्राम, इसको ये रहा, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, करना क्या है, तो जियो के लिए एक आता है क्यू फ्लैश टूल, यानी क्वालिकम फ्लैश टूल। ये रहा हमारे डेस्कटॉप पे, तो इसको क्या करना है, तो ओपन करना है। ये ओपन हुआ, ठीक है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, तो लोड कॉन्टैक्ट कर देना है यहाँ से, कॉन्टेंट लोड कॉन्टेंट, ठीक है। अभी ये जस्ट पेस्ट हो रहा है। बाकी दोस्तों, आप हमें कॉल कीजिए अगर दिक्कत हो रहा है। ये सब सेट तो इजी है, बेस आपको जानना है कि MTK या क्वालिकम या आपका SPD, ये तीन बेस पे सेट हो सकता है। SPD वाले सेट को आप जो अपग्रेड टूल आता है या रिसर्च डाउनलोडर आता है, आप उसके द्वारा भी काम कर सकते हैं। MTK है तो MTK वाले को SP टूल, या फिर आप मेरिकल बॉक्स के द्वारा भी काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि अगर ये फुल डेड होगा, जैसे ब्रिक बोलते हैं, अगर प्रॉपर ब्रिक भी है तो उसको भी कैसे फ्लैश करना है, वो भी मैं आपको जिक्र करूँगा अभी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9708441666, 9708421416। अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर आपसे प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट इंडिया के अलग अलग भागों से बिलोंग करते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने फाइल पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से लोड जो है कंटेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि फाइल अपने कहाँ रखा है, तो यहाँ से मैं न्यू ड्राइव, यहाँ से चाइना, और यहाँ से ये रहा ना LF2403। इसका हमने क्या किया, तो ये रहा प्रोग्राम, इसमें ये कंटेंट फाइल, तो ये फाइल हमने ले लिया, ठीक है। फाइल लेने के बाद दोस्तों, देखिए इधर आपको करना क्या है, तो सेट में बैटरी लगा देना है, ठीक है। ये बैटरी लगा दिया, और आपको स्टार और हैश, ये दोनों बटन एक साथ दबाना है, स्टार एंड हैश। जैसे एंड्रॉयड में क्या था, तो वॉल्यूम प्लस माइनस हम साथ में दबाते थे, ठीक है। तो इसमें हम मेरे को जो है स्टार और हैश दबाना है, ठीक है। तो ये दोनों हम दबाएंगे और सेट को लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद दोस्तों, ये देखते रहिएगा, जस्ट यहाँ देखिए, ये क्वालिकम का पोर्ट बना लिया। ये जैसे ओडिन में कम्पोर्ट शो करता है, उसी तरह इसमें कम्पोर्ट आ रहा है, ये कम्पोर्ट 13। इसका मतलब हमारा डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, तो डाउनलोड कंटेंट पे क्लिक कर देना, और ये होने लगा फ्लैश, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फाइल ये 1 GB का फाइल है, तो और इसमें अब टेस्टेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है। आप गूगल पे खोजेंगे तो आपको हो सकता है मिले ना मिले, बट मेरे पास इसका टेस्टेड फाइल है। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको वो 3000 3500 जो है टेस्टेड फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप अगर कोर्स में रुचि रखते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, तो आप आइए,
अगर आप आ नहीं सकते हैं तो हम आपके लिए जो है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का बेस्ट था कुछ सोच रहे हैं, वो लॉन्च हम करेंगे आने वाले कुछ टाइम में, उसके लिए काम चल रहा है अभी। और अगर ऑनलाइन वाला हो गया तो ऑनलाइन कोर्स भी हम निकालेंगे जिसमें हमारा जीरो लेवल से लेकर और लास्ट तक का सारा वीडियो दिया रहेगा, आप इजी वे में काम कर पाएंगे। हाँ, वो काम करने के लिए आपको कुछ डिवाइसेज चाहिए तो वो हम आपको पहले ही वीडियो में बता देंगे कि आप ये डिवाइस आप रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, फ्लैशिंग डन हो गया, ठीक है। अब आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अब इधर आप देखिए, ये दोबारा हमने सेट का बैटरी निकाल के लगा दिया और ऑन किया, ये ऑन हो गया। पहले इसमें जियो पे आकर अटक जा रहा था, यहीं पे ये रुका हुआ था। अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों काम एकदम इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आप अगर आपसे नहीं हो रहा है काम तो आप हमसे बात कीजिए प्लीज़, हमारे कॉन्टैक्ट में उसमें कमेंट के जरिए। बाकी और भी नए नए वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाने हैं जो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो अभी तो ये जियो का अभी मेरे पास एक सेट आया है नया सेट, तो मैं सोचा कि इसमें, और इसमें प्रॉब्लम था कुछ दिन पहले, यानी 10-15 दिन पहले ये परचेज़ किया गया और इसमें अभी प्रॉब्लम आ गया था, तो अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट। बाकी बहुत तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया है, यहाँ से हमने इंग्लिश कर देना है, ठीक है। इसको इंग्लिश ओके कर दिया या नेक्स्ट एक्सेप्ट, ठीक है एक्सेप्ट, ये हमारा चलने लगा फ़ोन, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं होगा, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। ये तो अभी हमने दिखाया है कि लाइफ का जो अभी 4G सेट आ रहा है 1500 वाले, तो उसको कैसे फ्लैश करना है, एकदम इजी है, सिंपल है। आपके पास अगर प्रोग्राम टेस्टेड है तो आप भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास प्रोग्राम नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप गूगल पे क्या है तो या इंटरनेट पे क्या है तो कौन सा फाइल सही है या कौन सा हमारे लिए परफेक्ट है, ये अभी तय तो आप ही करेंगे जब आप काम करेंगे। तो अब आपके पास कोई फाइल से ओके हो गया, अगर उसका हार्डवेयर वही सेम है तो मेरे पास भी उस फाइल से ओके हो जाएगा। बाकी अगर हार्डवेयर मेरे पास डिफरेंट है और सेट डेड कंडीशन में आया है तो डेड कंडीशन वाले सेट का तो हार्डवेयर या उसका बिल नंबर से हमें पता नहीं चलेगा कि सेट का सेट में कौन सा सॉफ्टवेयर डला हुआ था। अब गूगल पे आप जाके जब सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे तो वहाँ तो वो दिखाएगा जो पहले वाला हार्डवेयर के लिए बना था फाइल, वो फाइल डालेंगे तो उससे हमारा सेट ओके होगा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी काम बहुत भारी नहीं है, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दिक्कत के लिए हम हैं और हमारा और भी वीडियो आएगा। बाकी बहुत सारे दोस्तों ने हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया है, तो और भी लोग जो है या और भी जो हमारे दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इससे थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और भी नए नए टॉपिक का वीडियो बना के देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अभी बहुत टॉपिक आना है, मैं आपको फिक्स बोल दूं कि ये टॉपिक का वीडियो बनेगा, ये बनेगा, अभी बहुत सारा वीडियो बनना बाकी है। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के लिए अब मैं भी यूज़ करता हूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब पे अगर आप सैमसंग FRP का वीडियो देखें तो कम से कम लाखों की संख्या में आपको मिलेगा। बट हमारे सेट के लिए कौन सा वीडियो परफेक्ट होगा, अब उसमें से हमें फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं वही वीडियो आपको दे रहा हूँ जिसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अगर आप वीडियो देखिए, काम कीजिए, नहीं हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो का रिजल्ट आपके सामने मिलेगा तो इससे क्या होगा, तो भाई गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी मुलाकात आपसे होगी अगला वीडियो में, ठीक है। तो तब तक ले लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक